ये कुछ शरारती तत्वों के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र था जिसके तहत उन्होंने मेरी ही झूठी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को मेरी तरफ से देके और मेरा यहाँ से तबादला किसी धोखेबाजी के तहत ये करवाया गया कि जो मैंने लगता अभी डॉक्टर चहल का मैंने तबादला हो गया होगा और जो हो गया होगा तो ये ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसके ऊपर सरकार का एमपी साहब का एमएलए साहब का जो रिश्वत खोर है नहीं इनका दबाव है। 15-7 को था ये फिरोज, ये है यहाँ फिरोजपुर मेवात में इनकी पोस्टिंग हुई थी, लेकिन अभी तक इनको ना तो रिलीव किया गया यहाँ से और ना ही सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही। तेरा टेस्ट मैं करूंगा, तेरा टेस्ट मैं करूंगा, उससे जितने भी 200-400-500 फोड़े जावे ले फोड़ लें। दवाई बार से है टोटली, टेस्ट बार से है टोटली, तो इस हॉस्पिटल का हमें करना क्या है, कोई फायदा नहीं है इस हॉस्पिटल का। उससे अच्छा तो वो जो कह रहे हैं ना भाई जोड़ा साहब डॉक्टर है, वो जोड़ा साहब डॉक्टर ही मतलब लोगों की जान बचा रहे हैं आज के टाइम में। चर्चा है कि भाई डॉक्टर चहल में कुछ डॉक्टर वाले गुण होने चाहिए, डॉक्टर परमात्मा के बाद दूसरा परमात्मा माना जाता है, और लोगों में हल्के में ये है पूरे हल्के के अंदर हाहाकार मची हुई है कि डॉक्टर चहल के पास जो जाता है उसको धमकाया के बोलता है, तड़काया के बोलता है, कोई ना मरीज देखता भाई ये मरीज है, इसकी क्या सुविधा होनी चाहिए, उसके दफ्तर के आगे कोई बैठने का स्टैंडिंग नहीं, कोई। ऋषिपाल आर्य गाँव दुपेडी से, जिन्होंने एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और असंध SMO डॉक्टर चहल के ऊपर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं और उनकी बदली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे। मैं ऋषिपाल आर्य प्रवक्ता DKU। आज हमने जैसा पता लग गया था, पहले हमने जो बयान दिए थे वो कुछ आदमी बोल रहे थे वहाँ पर, तो हम भी बैठे थे, हमने बिना उसके वो बात हो गई थी उसमें पत्रकारों के साथ हो रही थी, तो हमने भी उसी तर्ज पर भाई कि अगर ऐसा है तो मतलब गलत है, तो हम उसके बारे में फिर हमने पता लगाया कुछ आदमियों से, हमने वो जो बात निकल आई क्योंकि हमने तो कई कई महीने कई साल भी लग हो जाता है हॉस्पिटल में आई बगैर, तो हमने सोचा क्यों ना साक्षात्कार ही मतलब हॉस्पिटल का दौरा किया जाए, तो हमने आज सुरेश बेनीवाल जो कि जोन प्रभारी हैं इनेलो के, मान साहब हैं अपने व्यापार सेल के असंध के प्रेसिडेंट हैं और भारतीय किसान यूनियन के असंध के अपने प्रधान हैं झिंडा साहब छिन्ना साहब भूपेंद्र सिन्हा, तो हम आज टीम आई, हमने सारे मरीजों से भी पता किया और अंदर सारे कमरों में उनमें जाकर मतलब आम जनता से भी बात करी जो थे मरीज थे और जो स्टाफ था, तो स्टाफ ने भी बहुत ही शांति प्रिय मतलब बात कही है कि उन्होंने कहा भाई कि डॉक्टर साहब चहल साहब जो हैं यहीं पर रेजिडेंस, मुझे नहीं पता इनका रेजिडेंस यहाँ है जी, तो पता लग गया भाई इनका असंध में रेजिडेंस है, पहले डॉक्टर आते थे CMO इनके पास, SMO की पोस्ट है जी, और वो करनाल से कोई मतलब चंडीगढ़ से आते थे, आने जाने में टाइम खराब हो जाता है तो रात में 12 बजे भी पता लग जाता, उन्होंने बताया तो तभी घर से उठ कर आ जाते हैं। हमने मतलब बहुत खुशी हुई कि भाई चहल साहब असंध में ही रहते हैं, मकान भी असंध में है, बच्चे भी असंध में ही रहते हैं, पढ़ाए बच्चे भी संध में पढ़े हैं, तो मतलब इस बात को देखते हुए हमें आज बड़ा मतलब गर्व सा महसूस होया, और ऐसा पाया गया कि हर चीज़ जो मरीजों से मिले टीकाकरण वाले आए हुए थे उन्होंने भी शांतिप्रिय दिया कि भाई टाइम पे टीका लगता है, और हॉस्पिटल के अंदर बैठने की जो मरीजों की वो कुर्सी वगैरह देखी, पहले तो खड़े रहते थे, आज सब कुछ व्यवस्था देखते हुए बड़े मतलब हमें खुशी सी हुई क्योंकि एक साल में लगभग हॉस्पिटल में आए हम। ऋषिपाल जैसे आपने एक आरोप लगाए थे, हाँ हाँ हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ। तो कोई भी आदमी आरोप लगाने से पहले उसकी जानकारी ले ले या हाँ ऐसे ही कोई भी कुछ? हाँ, हमने आरोप नहीं लगाए थे, वो कुछ आदमी बैठे हुए थे उनका बाद में हमने पता कराया, वो कह रहे थे भाई बदली होगी जो आई नहीं कर रहा ये नहीं कर रहा, हमने ये कहा था कि भाई अगर बदली चहल साहब की मतलब किसी कारण ऐसे बात से हुई है, अच्छे डॉक्टर हैं तो ये तो वहाँ भी कर लेंगे, हमने आरोप नहीं लगाए थे, हमने कहा था भाई या वैसे बात है, लेकिन हमने एक बात हुई कि शहर के कुछ जो अपने सामाजिक संस्थाएँ हैं उन्होंने मतलब सरकार से मिलकर तो बदली को मतलब रुकवाया भी, क्योंकि ये पता लग गया ना, नहीं बाद में पता लग गया भाई कैसे रुकी, तो सामाजिक संस्थाओं ने मतलब इनका बड़ा बढ़ चढ़ के साथ दिया कि उन्होंने कहा कि भाई रात दिन यहीं रहते हैं, और भाई और जो कोई डॉक्टर आ गया क्या पता कोई ऐसा हो ज्वाइन करे ना करे, क्योंकि संध वैसे ही बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पर ज्वाइन ही नहीं करते डॉक्टर, और अभी भी 3 ही डॉक्टर हैं और पोस्ट है 16 पता लग गया, 16 पोस्ट 3 डॉक्टर, तो ये काम कैसे चला रहे हैं, मैं तो आज बड़ा हैरान होया हूँ
के तीन डॉक्टर हैं, हम जल्द ही एक डेपुटेशन इसके बारे में भी स्वास्थ्य मंत्री विज साहब से मिलेंगे, क्योंकि विज साहब से कई बार मुलाकात होती रहती है, वो पूछते भी रहते हैं हमसे कि भाई आपके असंध में कोई किसी प्रकार की कमी हो तो हमारे से अवगत करा करो। हम जल्द ही मतलब अभी एक डेपुटेशन असंध से मिले भी गा, क्योंकि सरकार तो वो है, वैसे तो हम भारतीय किसान यूनियन के हैं, लेकिन मंत्रियों से बात तो कहनी पड़ेगी ना, जो हमारे संघ के अंदर कमी है उस कमी को दूर करवाने के लिए, ताकि जल्द से जल्द डॉक्टरों का पूरा प्रबंध हो। और वैष्णव चहल साहब ने खुद भी बताया कि भाई डॉक्टरों की इतनी कमी है, जिस चीज़ की कमी है वो कमी भी हमारे को बताई है, और उन्होंने कहा भाई अगर किसी प्रकार की कोई भी मतलब कोई ऐसी बात हो तो मेरे से बिल्कुल रूबरू होकर मेरे को है ना आप कह सकते हैं। अरे साहब आपका बयान किसी दबाव के अंदर तो नहीं बदला जा रहा है? कमाल हो गया, हम तो मेरा प्रधानमंत्री से नहीं दबते, हम तो ये डॉक्टर साहब से दबेंगे क्या? जी नहीं बिल्कुल, ये तो क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट है, मतलब हम तो डीसी को एसपी को भी समझ रहे हैं, पर डीसी एसपी तो जो अफसर होते हैं एसडीएम तहसीलदार, ये तो कर्मचारियों के ऊपर होते हैं, हमारे तो नौकर हैं, सेवा है हमारे, सेवादार हैं, क्योंकि हमने इनको बताना पड़ता है हमें सेवा की सुविधा चाहिए, और इन्होंने मतलब नीचे कर्मचारियों से काम कराना होता है, अफसर उनके लिए होते हैं, दबाव उनके ऊपर होता है, आम पब्लिक के ऊपर नहीं होता। तो हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी जी, हाँ जी, जोन के प्रभारी हैं बताओ। मैं सुरेश बैनीवाल, जोन अध्यक्ष असंध। तो जैसा कि हमें पता चला डॉक्टर साहब चहल के बारे में, भाई जो सरकारी हॉस्पिटल है भाई, इसमें डॉक्टर साहब के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो ये बहुत कई सालों से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे, आज तक तो हमने कोई ऐसी बातें सुनी नहीं भाई, किसी प्रकार की में कोई अनियमितता बरती हो या कोई बात आई हो, कोई अपने पर्सनल तौर पर कुछ खुंदक के हिसाब से, अगर डॉक्टर साहब पर कोई इल्ज़ाम लगाता तो अपने खुंदक तौर पर क्यों बरते, लेकिन जनता का नुकसान क्यों करे जी? ये तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से सारी सुविधाएं रात को भी आधी रात को टेलीफोन कर दे तो बल्कि अटेंड करते हैं और जा करके उनका इलाज भी बताते हैं, भैया ऐसे कर लो चलो वहाँ ले जाओ, तो मैंने तो हमने तो कोई ऐसी बातें नहीं दिखाई दी, और यहाँ हम आज इस बात के बारे में आए, हमने हॉस्पिटल में जायजा भी लिया, वार्ड में भी गए, मरीजों से बात भी की, सुविधा भी देखी, बैठने की व्यवस्था बहुत बढ़िया नज़र आई, क्यों हम भी काफ़ी दिन में आए हैं, ये बातें सुनने के बाद ही आए हम, तो डॉक्टर साहब से बात हो या डॉक्टर साहब ने कहा भाई देख चलो हमारा क्या, हमने तो सर्विस करनी है, कहीं भी भेज दो हम तुम्हारा, हमने तो नौकरी करनी, हमने सेवा करनी है लोगों की, वो तो लोगों की देखना लोगों ने अपना क्या क्या नहीं है। हाँ ये है भाई कोई पर्सनल तौर पर कोई किसी बात की तकलीफ है, कोई बात हुआ हमारे से बताए, तो डॉक्टर साहब से हमने कोई ऐसी बातें नहीं दिखाई दी कि किसी प्रकार की कोई बात है, कोई पर्सनल तौर पर अपने कोई निजी दुश्मनी के लिए कोई अगर ऐसी बात करता तो वो भी गलत है, तो हमने आज तक डॉक्टर साहब के बारे में कोई ऐसी बात नहीं सुनी, तो हमने सारी बात ठीक लगी, सारा हॉस्पिटल में सारी सुविधाएँ दिखाई दी, हाँ जो डॉक्टरों की कमी है और कोई संसाधन की कमी है तो सरकार है काम, सरकार भेजे तो सरकार के खिलाफ बात कहे, जो कृषि ने अगर कोई मरीज की कोई व्यवस्था कमी होगी, कोई बात की संसाधन की कमी होगी तो सरकार से भेजना चाहिए, उन्हें बात नहीं कि डॉक्टर के खिलाफ करनी चाहिए, डॉक्टर ने सेवा करनी है जी, तो मैं तो यही बात कहूँगा, तो धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BN24 में, और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। इस वक्त हम हैं असंध के नागरिक अस्पताल में, जहां पर आपने एक वीडियो देखी थी, और वीडियो के अंदर तरह तरह के आरोप लगाए गए थे डॉक्टर जयपाल चहल के ऊपर। यहां पर जरूर आए हैं दवाई लेने के लिए, उनसे जानेंगे कि आखिर उन्हें असंध सरकारी हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधा मिलती है, किस तरह की परेशानी होती है। मैम नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? कुसुम। कुसुम कहाँ से हो जी? असंध से। आप पहले भी आते हैं हॉस्पिटल के अंदर? पहले भी आते हैं। आपको कोई परेशानी है यहाँ पर, इलाज में कोई दिक्कत आती हो? नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी आई नहीं। कोई व्यवहार को लेकर, कोई दवाई को लेकर, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है बताओगे जरा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो शुरुआत से यहीं से ले रहे हैं, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, उस टाइम से लेकर 16 साल से यहीं पर यहीं से दवाई लेते हैं। इसका मतलब आप यहाँ के इलाज से खुश हो? मुनीश जी थे, उनसे दवाई लेते थे। हाँ, डॉक्टर मुनीश। हाँ जी, पहले उनसे लेते थे। और डॉक्टर चहल है यहाँ पर? डॉक्टर चहल से भी लेते हैं, सुनील सर से भी लेते हैं। आपको कोई परेशानी नहीं लगी अब तक? नहीं, कोई परेशानी नहीं, इलाज सही है? हाँ जी सही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इलाज सही नहीं किया जाता, लोगों को गुमराह किया जाता है, ऐसा कुछ है यहाँ पर? आपने 16 साल के अंदर ऐसा देखा अब तक? हमने तो कभी देखा नहीं, और ये रोज़ तो हमारा आना भी नहीं होता हॉस्पिटल में जी, जब कभी दिक्कत होती है उसी टाइम आते, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। करीब 16 साल से यहाँ पर लगातार दुआएं ले रहे हैं, एक महिला हमारे साथ है।
सत श्रीकाल, मैं नरिंदर कौर जी, कहां से? मैं संद वार्ड नंबर 11 चो, मैं ब्लॉक प्रधान किसानां दी जी। भी मैं अज 5-4 दिन तो एडमिट सा, अज मैं ठीक हो के मैं डॉक्टर चहल दी बदौलत तो मैं घर जा रही हूं, मैं सही हो गई हूं। इलाज सही हुआ यहां? बढ़िया सही कीता डॉक्टर चहल ने मेरा इलाज। कोई आपको लूट का मामला तो लगा यहां? ना ना, लूट का मामला है ही ना, लूट का मामला है ही नहीं, सब दवाइयां कोलो देते नहीं, कोई लापरवाही नहीं। मैं खुद अपने आप शरीर से, मैं हूँ आके सुई भी लगा के आई अपने। आज डिस्चार्ज हुए? हाँ जी। वो हूँ तबादला हो गया है? नहीं, तबादला नहीं होना चाहिए, साढ़ा तो अपना खाद बढ़िया डॉक्टर संद मिले, और कोई डॉक्टर कैसे आवे कैसे ना आवे। ये है डिस्चार्ज की कॉपी जहाँ अभी इनको मिली है, और इस यहाँ पर जो इलाज किया जा रहा है उससे बेहद खुश हैं ये लोग। कुछ और साथी उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अभी भी एक साथी हमारे जी, क्या नाम है आपका? सत्यवान सर। कहाँ से हो जी? गाँव बारी से जी। आपको यहाँ इलाज के दौरान किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा? मेरे गुर्दे में गिटनी मोह है जी, ये पानी की रसोली जी, तो उन करके दाखिल हूँ मैं यहाँ पे। कोई दिक्कत आई आपको यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी। कब से दाखिल हो आप यहाँ? मैं आज पिछले शुक्रवार को आया था जी, 7 दिन हो गया। तो यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर किस तरह के? मतलब डॉक्टर तो बहुत बढ़िया है जी, वैसे बच्चे हैं जो लग रहे हैं वो थोड़े आनाकानीसी में, मतलब रहे ऐसे तो होता ही है। डॉक्टर की तरफ से बताइए क्या समस्या है? डॉक्टर कोई समस्या नहीं है जी, बड़े प्यार था है, बड़े ओवर अम्बल के माँ, और तो सारी फैमिली यहीं से लेती है 15-16 साल से। 15-16 साल से? हाँ जी, मनीष पहले मनीष से लेती थी, अब इससे लेती है जी। अच्छा, कुछ खबरें आ रही थी कि डॉक्टर का तबादला हो गया यहाँ से, इसके बारे में देखो क्या जी है? तो आपने तबादला होना चाहिए या नहीं? वो सोचा हमारा फ्रेशर होना चाहिए, दूसरे सोचा हमारा फ्रेशर होना चाहिए, ये तो पार्टी बाजी के प्रोग्राम है। हम बात करते हैं आम जनता की सुविधा को देखते हुए। नहीं, सुविधा तो बहुत बढ़िया है जी, जैसे कुछ बाल के टेस्ट लिखे हैं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आपके ऊपर बर्डन डाला गया जब आप दाखिल? कोई बाल के टेस्ट, कोई दूसरी गोलियां है, कोई बिल्कुल नहीं जी। नहीं, आती हैं बाहर से भी, आती हैं अंदर से भी मिलती हैं, नहीं है मतलब वो बाहर से मिली। हाँ जी, वो संतुष्ट हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमसे बातचीत करने के लिए। बोल रहे ने भी मेरे टेस्ट नहीं होंगे, जो इतने मशीन ही नहीं, तो डॉक्टर टेस्ट कितों कराएगा? डॉक्टर के बाद ही लिखेगा, फिर जो बाहर के टेस्ट होंगे वो बाहर से ही होंगे, लिखे जान दे। जेकर मशीन पब्लिक जोर लाए ना, तो मशीन होनी चाहिए ने, जेकर डॉक्टर कहाँ से पर लगवाएगा मशीन? पब्लिक जोर पाए, जो जोर ला रहे हैं इनको बादला होना चाहिए, वो इन्हें ये चाहिए मशीन पब्लिक जेकर मशीन है ही नहीं, तो किस तरह करेंगे? दोस्तों, सोशल मीडिया पर आपने एक वीडियो देखी जिसके अंदर असंध SMO डॉक्टर चहल के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं, उनकी बदली को लेकर आरोप लगाए गए हैं। उस मामले को लेकर आज हम पहुंचे हैं असंध SMO डॉक्टर चहल के पास, जानेंगे उस वीडियो की सच्चाई क्या है, कितनी सच्चाई है उस वीडियो के अंदर, और आखिर उस वीडियो के माध्यम से कुछ लोग क्या साबित करना चाहते हैं। फिलहाल आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं असंध SMO डॉक्टर चहल, उनसे ही हम जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और किस तरह से लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना है। स्वागत है आपका BN24 में। नमस्कार दर्शकों, जो भी आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी मेरी ट्रांसफर से रिलेटेड, देखो ट्रांसफ़र करना जो है वो सरकार का जो एक अधिकार होता है, और कर्मचारी को सरकार के सारे नियम मानने होते हैं। तो मेरी ट्रांसफ़र के ऑर्डर जो है वो मुझे 24 जुलाई को प्राप्त हुए थे, जो इसमें ये मीडिया में जो लोग बोल रहे हैं 15 जुलाई से ऑर्डर आया, 15 जुलाई से बात वो की गई है, वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, मेरे जो आदेश हैं मुझे 24 जुलाई को प्राप्त हुए थे, और उस आदेश में ये लिखा हुआ था कि मैंने ऑन रिक्वेस्ट ये ट्रांसफ़र खुद ही करवाई है। अगर आपने भी ऑर्डर की कॉपी देखी होगी तो ऑन रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, जबकि मैंने सरकार को, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या किसी भी राजनेता को अपनी बदली यहाँ से कराने के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं दी थी। ये कुछ शरारती तत्वों के द्वारा किया गया एक षड्यंत्र था, जिसके तहत उन्होंने मेरी ही झूठी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को मेरी तरफ से दे के और मेरा यहाँ से तबादला किसी धोखेबाजी के तहत ये करवाया गया। जब मैंने गवर्नमेंट को इसके बारे में लेटर लिखा कि भई मैंने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं दी है और ये जो मेरा तबादला किया गया है ये गलत है, उस पर सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए मेरे तबादला के जो आदेश जिस दिन मुझे मिले थे उससे 2 दिन बाद ही मेरे जो आदेश हैं उन्होंने कैंसिलेशन के लिए जो है आदेश जारी कर दिए थे वहाँ से। अब ऑर्डर की कॉपी जारी होने में थोड़ा वक्त लगता है, और
जो हमारी ट्रांसफ़र होती है वो कई अब दफ्तरों में फाइल जाती है, तो उसको थोड़ा टाइम लगा, वो लगभग हफ्ता 10 दिन लगे उसको आगे तक फाइल का ऑर्डर आने में। और मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो तबादला के आदेश हैं वो सरकार के द्वारा जो है वो रद्द किए जा चुके हैं। इसमें जो लोग वीडियो में आपने देखे होंगे, उसमें जो जो भी लोग हैं उसमें से दो आदमी तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ़ मैंने FIR दर्ज करवा रखी है। तो वो जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो निजी रंजिश के तहत ये ऐसा कर रहे हैं। जो लोग गलत काम करते हैं, जो यहाँ पे आगे उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं, उनकी मैंने पहले भी FIR दर्ज करवा रखी है। इसी चक्कर में वो इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट लेने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे बहकावे वाली चीज़ों में आप ना जाइए। सरकार के द्वारा जो सुविधाएं यहाँ हमारे पास दी जा रही हैं, वो जो भी मरीज़ यहाँ आता है उसको वो सभी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए होंगे तो आपको ये पता भी होगा कि जो भी दवाई हमारे पास आती है हम सरकार की तरफ से मरीज़ों को देते हैं, जो टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास है वो हम करवा रहे हैं। जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं उसमें हम मजबूर होते हैं। हमने तो मरीज़ को बीमारी के हिसाब से दवाई लिखनी होती है और मरीज़ की बीमारी को पकड़ने के लिए ही टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। वो मरीज़ की मर्ज़ी होती है कि वो टेस्ट कहीं पर भी करवाए, जो अंदर हो रहे हैं वो यहाँ से करवाए, जो बाकी के टेस्ट हैं वो असन शहर में प्राइवेट से करवाए, किसी अन्य शहर में जाके प्राइवेट से करवाए, या करनाल सरकारी में कल्पना चावला में जाके करवाए, हमें उस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होती। पेशेंट की जो भी हमारे पास वो जहाँ से भी रिपोर्ट करवा के लाता है, हम उसकी जो बीमारी आती है उसी के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से ही इलाज करते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि आपकी फैमिली में या कोई रिश्तेदारी में जब कोई मरीज़ गंभीर बीमारी के साथ यहाँ पर आपके होता है, कोई रिश्तेदारी या फैमिली में, तो जब भी आप उस मरीज़ को PGI रोहतक या PGI चंडीगढ़ जब भी लेके जाते हो तो अक्सर ये देखा होगा कि वहाँ सबसे पहले जब मरीज़ आता है तो वहाँ मरीज़ के सारे टेस्ट पहले करवाए जाते हैं, दवाई उसकी बाद में शुरू की जाती है। पहले बीमारी को देखा जाता है कि बीमारी का जड़ या कारण क्या है, मूल कारण, उसी के तहत उसका फिर इलाज होता है। तो हमने भी जो कोर्स किए हुए हैं, MD का जो कोर्स किया हुआ है वो रोहतक मेडिकल कॉलेज से ही किया हुआ है, वहीं के ही हम पढ़े लिखे हैं। तो हमारा मेन मकसद ये होता है कि अगर कोई भी मरीज़ आया है उसकी जो लंबी बीमारी है उसको जड़ से पकड़ा जाए और जो बीमारी है उसके तहत ही उसका इलाज किया जाए। कोई अगर खांसी की बीमारी लेके आता है और उसको खांसी 2 महीने से हो तो उस खांसी का जानने का कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये खांसी 2 महीने से चल रही है तो किस वजह से हुई। तो इसी प्रकार से टेस्ट होते हैं। कोई 2 दिन की खांसी लेके आता है तो उसके टेस्टिंग नहीं होती, ज़रूरत होती है कराने की, जुकाम खांसी एक आम बीमारी होती है। तो ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं ये जो है एक षड्यंत्र के तहत दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये कुछ लोगों के बहकावे में आके इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। और भगवान की दुआ से और आप लोगों के आशीर्वाद से ये मेरे आदेश जो हैं वो कैंसिल हो चुके हैं। सर जैसे कि बात करें, आपने कहा कि हमने खुद रिक्वेस्ट डाली थी ट्रांसफ़र के लिए, तो असंध के अंदर पहले ही डॉक्टरों की कमी है और आपके जाने के बाद तो और भी ज़्यादा दिक्कत आएगी लोगों को, इसके बारे में आपका निजी विचार क्या है? नहीं, मैंने ये कहा कि मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं दी थी सरकार को कि मेरा तबादला यहाँ से कर दिया जाए। जिन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत मेरी बदली करवाई उन्होंने झूठी रिक्वेस्ट मेरी तरफ से डाली कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरी जो बदली के आदेश है उसमें ऑन रिक्वेस्ट लिखा हुआ है कि मैं ऑन रिक्वेस्ट यहाँ से मुझे बदला गया है, जबकि मैंने रिक्वेस्ट किसी को दी नहीं, ये तो है पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए असंध एक बहुत बड़ा इलाका है और हम सभी जानते हैं कि कोई भी बड़ा शहर यहाँ 40 किलोमीटर से दूर ही है। 20 किलोमीटर के एरिया में कोई 25 किलोमीटर तक के एरिया के मरीज़ यहाँ पे आते हैं इलाज के लिए। असंध सरकारी अस्पताल में 14 डॉक्टरों के जो पद हैं वो सरकार के द्वारा स्वीकृत हैं। 14 में से हम इस टाइम एक दांत वाले डॉक्टर को छोड़ के उसके अलावा हम 3 ही डॉक्टर हैं जो इस अस्पताल को 24 घंटे चला रहे हैं। यहाँ पोस्टमार्टम की फैसिलिटी भी है, यहाँ 24 घंटे MLR भी कटती है, 24 घंटे यहाँ डिलीवरीज भी होती हैं। हर महीने 70, 80, 90, 100 तक गर्भवती महिलाओं के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। उसके अलावा रूटीन में भी 300, 400, 500 की OPD होती है। तो ये हमें ही पता है कि हम किन मुश्किलात का सामना करके इस अस्पताल को चला रहे हैं। सरकार से भी हमने भी अपनी तरफ से भी और हमने यहाँ के स्थानीय नेताओं से भी बार बार रिक्वेस्ट करी कि यहाँ डॉक्टरों की संख्या जो है बढ़वाई जाए, पर इस समय हरियाणा सरकार में डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है और ये छोटा शहर होने की वजह से छोटे इलाके में जो है डॉक्टर्स अपनी फैमिली को लेकर आना नहीं चाहते। मुझे भी यहाँ रहते हुए 15-16 साल हो गए लेकिन मुझे भी अपनी फैमिली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ा कि मेरे बच्चे भी कहते थे पापा क्या है आप छोटे शहर में हमें लेके बैठे हो, यहाँ पार्क तक की सुविधा नहीं है, हम यहाँ रह के पढ़ना नहीं चाहते, हमें किसी बड़े शहर में लेके जाओ। मेरी अपनी जो पृष्ठभूमि है वो एक गाँव की पृष्ठभूमि है। मैं गाँव में रहा, बचपन मेरा गाँव में बीता, मैं गाँव में पढ़ा लिखा भी 3-4 क्लास, उसके बाद शहर में गया, तो मुझे ये पता है कि गांव और छोटे इलाके के लोगों को क्या क्या जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपने बच्चों को और अपने परिवार को समझाया कि छोटे शहर में रह के भी बच्चा पढ़ के डॉक्टर बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं होती।
जब भी उनसे कोई बात होती है तो मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मुझे देखो, मैं गांव में भी पढ़ा, छोटे शहर में रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मेहनत करोगे तो आप कहीं पे भी कामयाबी पा सकते हो। और दूसरे भी जो बच्चे अब डॉक्टर बन रहे हैं, जो हमारे शहर से असंध से भी कई बच्चे अभी डॉक्टर बन रहे हैं, कई बच्चे कोर्स कर रहे हैं, मेरी बेटी भी खुद डॉक्टर का कोर्स कर रही है, तो मेहनत करने वाले बच्चे जो हैं वो कहीं भी जाएँ, चाहे छोटा शहर हो, चाहे गाँव हो, चाहे बड़ा शहर हो, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सबको कामयाबी मिलती है। और मैं सभी बच्चे जो तैयारियाँ कर रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूं और उनके लिए दुआ भी करता हूं कि वो भी कामयाब हों इसी तरीके से। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। मैं क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए जुड़े रहें BN24 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।